हेलो मित्रों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही ज्यादा वायरल है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि मार्स पर कुत्ता मिला है। और इस खबर के साथ कुछ गलत तस्वीरें और वीडियोस भी लोगों को दिखाए जा रहे हैं। लेकिन पूरी सच्चाई क्या है और क्या सच में मंगल ग्रह पर कुत्ता पहुँच गया है, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, दरअसल मार्स के नॉर्थ पोल पर कई रहस्यमय आकृतियां देखी गई हैं। ये आकृतियां मंगल ग्रह की सतह के नीचे हैं और इनमें से एक है कुत्ते जैसी दिखने वाली आकृति। ये एक ब्लॉब है जिसे थक्का भी कहते हैं, जो देखने में किसी कुत्ते जैसी नजर आ रही है। और इस आकृति को मार्शियन डॉग नाम दिया गया है और इसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं। असल में वैज्ञानिक मंगल ग्रह की ग्रेविटेशनल फील्ड का नक्शा बना रहे थे, तभी उन्हें नॉर्थ पोल पर कई रहस्यमय और घनी घनी आकृतियां दिखाई पड़ी। ये आकृतियां बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी वाले थक्के हैं और इनका बनना ही अपने आप में एक रहस्य है। इस मैप के जरिए मार्स के ज्वालामुखियों के इतिहास और मंगल ग्रह के सबसे ऊंचे पहाड़ ओलिम्पस मॉन्स के रहस्य भी उजागर हुए हैं। इस नक्शे में मंगल ग्रह की ग्रेविटी का पूरा डिटेल दिया गया है और यही नहीं, ये पूरे ग्रह का इकलौता नक्शा है। ये नक्शा तैयार किया गया है नासा के इनसाइट लैंडर के रिकॉर्ड्स, मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस के डाटा से। इनसे मंगल ग्रह की छिपी हुई ग्रेविटी में होने वाले बदलावों का पता चलता है। यानी सोशल मीडिया पर वायरल खबरों में मंगल ग्रह पर कुत्ते के होने का दावा सरासर झूठ है। हाँ, ये जरूर है कि मंगल ग्रह पर कुत्ते जैसी एक आकृति देखी गई है और वैज्ञानिक इसके बनने का रहस्य सुलझाने में लगे हुए हैं। तो ऐसी फेक खबरों से बचने के लिए हमारे चैनल हफ्ता वसूल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जहां मैं आपके लिए हर रोज ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं।